हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और आज हम लोग जो है ना गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं भूल गया। हम लोग केप करने वाले हैं, तो ये चेक करने वाले हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा पड़ता है, आर्थो हमारा या फिर एरानो। तो चलिए आज हम लोग यही चेक करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर जब डायनो टेम करने आया था मैंने, तो सारे के सारे डायनो यहाँ पर मेरे टेलीपोर्ट हो गए थे। तो अब एक एक करके मुझे जो है इनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा मेरे वापस बेस पे, क्योंकि यही ज़्यादा दिक्कत करता है जब आप लोग केव वगैरह करने जाओ ना, तो ये जितने डाइन होते हैं जल्दी से जल्दी सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये वाला सीन मुझे बहुत बेकार लगता है जब सारे के सारे डाइनो आपका केव के मुंह पे टेलीपोर्ट हो जाए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक एक करके हम लोग सारे डाइनो को वापस यहीं पर लेके आ जाते हैं। गेम थोड़ा सा लैगी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, बस क्रैश ना हो जाए। ऑलराइट, सो क्रैश नहीं हुआ। ग्राफिक को भी हाई कर दिया मैंने, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, लेट मी चेक कि एफएक्स वगैरह सही है कि नहीं। किसी भाई ने सजेस्ट किया कि अगर मैं एफएक्स को लो करके रखूँ, ऑलरेडी लो है। एफएक्स का साउंड बंद कर दूँगा गाइस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए, एक कैटजल को लेके आ चुका हूँ और आरजे और कुछ कैटजल रह चुके हैं, उनको भी ले लेता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर मेरा आर्मर टूट चुका है, शायद आप लोगों को पता हो या फिर ना हो। कौन सा डाइनो उड़ रहा, अच्छा ये गीगा हमारा है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे आर्मर टूट चुके हैं, सो पहले तो मुझे अपना वेट खाली करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये गीगा का मतलब सारे डाइनो के हैं, छोटे मोटे डाइनो मुझे नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक रूम के अंदर है मेरे, जी हाँ, इसके अंदर भी बहुत सारे डाइनो टेलीपोर्ट हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा बवाल किस्म का सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। मैं थोड़ा सा टेक आर्मर फिर से पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा ना कि डैमेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको रिपेयरिंग में डाल देते हैं। लेट्स सी, रिपेयर। ऑलराइट, देयर वी गो। और इसको जल्दी से पहन लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक डैमेज दिया आर्थो ने, एक ही शॉट में सारा आर्मर टूट गया। तो आर्थो का डैमेज ना गाइस बहुत ही ख़तरनाक और औसम है, तो बी केयरफुल रहिए। और साथ साथ आर्थो मज़ा लेना हो तो आप लोगों को पता ही है क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे आर्मर है जो कि टूट चुके हैं मेरे, जैसे मैं ये वाला आर्मर, तो मैं इसको इससे चेंज कर लेता हूँ। बूट को भी चेंज कर लेता हूँ, दे वे गो। ऑलराइट, सो अपने पास हैंड नहीं है तो हैंड को यहीं रहने देते हैं और बाकी आर्मर ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें, ताकि रिपेयर हो जाए। ऑल राइट गाइस, इन सभी को पहन लेते हैं। लेट्स सी, हेड रह गया है, हेड को भी पहन लेते हैं। ऑल राइट, चलिए अभी चलते हैं, जल्दी से सारे डाइनो वापस लेके आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम लोग चलेंगे केप के पास में, स्ट्रॉन्ग वाले केप पे, दोनों डाइनो लेके हमारे। ओके, तो यहाँ पे मैं उड़ने वाला फितिंगी थोड़ा सा पहन लेता हूँ, फोर डैमेज कम होगा क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा जंप लेना है। ऑलराइट, सो अभी जो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा मतलब लंबा जंप लेना है, तो थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हैं यहाँ पे देवी को। ऑलराइट, सो ये वाली ट्रिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और औसम भी है, ये देखिए है ना खतरनाक ट्रिक, जल्दी से जल्दी पहुँचने का बहुत ही सस्ता ट्रिक। ऑलराइट, ग्लिच है, क्रैश हो जाएगा गेम, इसको हटा देते हैं। चलिए अभी यहाँ पे कुछ डाइनो है जो कि हमें वापस ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। पहले जो मैं ट्राइक को बाहर निकालता हूँ, इसके अंदर जाके ट्राइक अटक चुका है। लेट्स सी, हम लोग ट्राइक के ऊपर बैठ सकते हैं क्या। ऑलराइट, और ट्राइक निकल भी नहीं सकता, अभी पीछे जा सकता है, हाँ ट्राइक पीछे जा सकता है, पहले औरतों को निकालना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम हुआ औरतों के लिए, वेट बहुत ज़्यादा है मेरा, इसलिए जो है औरतों का जो है जो भी कह लें मतलब वेट वगैरह बहुत कम दिखा रहा है या फिर ज़्यादा दिखा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। खैर अभी ट्राइक को लेके चलते हैं वापस, ट्राइक को लेके चलते हैं जल्दी से दूसरे वाले क्वेटजल के ऊपर। ऑलराइट, सो मैं इन सभी को यहीं पे छोड़ देता अगर ये ईरी डायनो नहीं होते तो, क्योंकि मुझे ईरी डायनो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और पिछली बार जो है गाइस ना, मैं ईरी डायनो लेके आया था जैसे में कि एल्काइनो, तो हो सकता है कि
कीप करने के बाद जो हम लोग एल्काइलो वगैरह भी टीम करें। सो आई थिंक मेरे पास इम्प्लांट होगा टिपचारा पुलवोरा, नहीं पता नहीं, मैंने एल्काइलो का इम्प्लांट वगैरह नहीं लिया था क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इम्प्लांट्स वगैरह बहुत सारे कलेक्ट किए थे, खैर दिख नहीं रहा है ऐसा क्यों। ये सब ग्रिफिन का इम्प्लांट्स रख रखा हूँ मैं। सो इम्प्लांट्स आई थिंक मैं लेना भूल गया, क्योंकि मैंने कई बार क्लियर तो किया था वो एल्काइल सॉरी क्या नाम है ग्रिफिन वाला सीन वाला। सो यहाँ पे ये जो है सेबरातूथ फाइट ले रहा था मेरे, जल्द से इसको मार देते हैं। चलिए अभी ट्राइक को पिकअप करते हैं। सो बड़े डाइनो को हम लोग ईजिली क्वेटजल से पिकअप कर सकते हैं, और छोटे मोटे डाइनो को हम लोग जो है इससे भी पिकअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अर्जुन टीवीएस से भी पिकअप कर सकते हैं। खैर जल्दी से ले चलते हैं, इसको भी बेस पे छोड़ते हैं, एक राउंड और आएंगे तो सारे डाइनो लेके चले जाएंगे, और नेक्स्ट राउंड आएंगे तो फिर सीधे डायरेक्ट केव की तरफ जाऊँगा, तो केव वाली वीडियो अलग से डाल दूँगा मैं आप लोगों के लिए, और ये भी देख लेंगे आप लोग कि कौन सा ज़्यादा अच्छा पड़ता है, कौन सा केव ज़्यादा अच्छा पड़ता है। हाँ सॉरी केव मतलब केव के कहने से मतलब है कि कौन सा डाइनो ज़्यादा अच्छा पड़ता है उस वाले केव को करने के लिए। और राइट सो यहाँ पे मैं ट्राई को भी लेके आ चुका, ट्राई को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ, इधर ड्रॉप कर दिया, ओके ऊपर ड्रॉप कर दिया है। सो यहाँ पे ये डाइनो बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब मेरे पास इतने ज़्यादा डाइनो हो चुके हैं ना कि कुछ डाइनो को मैंने क्रॉनिकल कर रखा है, जैसे मैं तीन तीन गीगा थे मेरे पास, चौथा गीगा कहाँ है, गीगा बीबीज नहीं दिख रहा, आई थिंक जो है इसके अंदर चला गया होगा मुझे लग रहा, क्या नाम है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर चला गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसा। तो सारे डाइनो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो उन सभी को क्रॉनिकल कर दूंगा मैं। सेविंग आ गया स्क्रीन के ऊपर, एक बार और नीचे की तरफ जंप लेते हैं देयर वी गो, और उसके बाद जो है चलते हैं पिकअप करके सारे डाइनो को वापस। चलिए इस बार भी थोड़ा सा लंबा जंप लेते हैं, सामने की तरफ जाना है हमें। ऑल राइट देयर वी गो, आई थिंक इतना इनफ होगा। चलिए आ चुके हम लोग यहाँ पे, फॉल डैमेज कम होगा अगर आप लोगों के पास टीक का आर्मर होगा तब, अदरवाइज ऐसे ट्राई मत करिएगा, आप लोगों को डैमेज हो सकता है। तो अभी जो है गाइज ना हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हैं, तो अभी बस सिंपली करना क्या हमें, या तो हम लोग एक डाइनो को यहीं से पिकअप करके ले चलें या फिर हम लोग इसको टेलीपोर्ट कर लें। सो आई थिंक मेरे क्या नाम है इसका एल्काइलो के पास जो है ना कुछ रिसोर्सेज वगैरह हैं, इसके लिए क्वेटजल लाना पड़ेगा, हाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ नेचुरल डाल के, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग चलते हैं औरतों को लेके केप पर। ऑल राइट गाइस, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग जाएंगे केप करने के लिए। अरे ये आर्थो ग्लिच है क्या, व्हाट द हेक, ये देखिए अच्छा नीचे की तरफ बिल्कुल दिखा रहा। खैर तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग जो केप करने वाले स्ट्रॉन्ग वाला केप, और उस वाले केप की तरफ मैं जा रहा जो कि आप लोगों को पता ही होगा हमारा सीधे कहाँ पे पड़ता है, मुझे खुद नहीं पता कहाँ पे पड़ता है। ऑल राइट तो पहुँच के आपसे मिलता हूँ गाइस, और तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए गाइस, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमें मोटिवेट करता है बहुत ही सारे वीडियो अपलोड करने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट।